Assalamu alaikum dear students, today we are going to do some work from grammar book. All of you please open page number 14. You can see a statement at the top of this page. Some sentences ask us something and asking sentences are called questions. यानी कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो हमसे सवाल पूछ रहे होते हैं. Ask mean पूछना. तो आस्किंग सेंटेंसेस जो जितने भी होते हैं ना, जिसमें हमसे कुछ पूछा जा रहा होता है, वो सवाल होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं. ये सबसे ऊपर वाली स्टेटमेंट में आपको यही समझाया गया है. उसके बाद वो कह रहे हैं वी पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ सच सेंटेंसेस, कि हम ऐसे सेंटेंसेस के एंड पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. लाइक मैं अगर आपसे पूछती हूँ इज दिस योर बुक, इज दिस योर बुक, क्या ये आपकी किताब है, तो इसमें मैंने जो सिंपल सेंटेंस होता है ना, उसमें दिस हम पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद इज लिखते हैं, दिस इज योर बुक, तो उसमें हम फुल स्टॉप मार्क करते हैं ना. ये हमने पहले लेसन में सीखा था. अब क्वेश्चन जो होगा ना, जो स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन समझा रही है कि ये सवाल है, एक आस्क कर रही है आपसे कुछ, तो उसमें फिर दिस से पहले इज लग गया. इसी तरह से कुछ वर्ड्स होते हैं जो डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं, जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं, लाइक वॉट इज दिस, ये क्या है, वॉट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, हु मीन्स हु, लिखा हुआ है डब्ल्यू एच ओ हु, वो थर्ड वर्ड लिखा हुआ है जो, उसका मतलब है कौन, वेयर, कहाँ, वेन, कब, विच, कौन सा या कौन सी या कौन से, और हाउ, कैसे. इस तरह से एक वर्ड हाउ मैनी भी होता है, उसका मतलब होता है कितने. और इज एम आर भी अगर हम स्टार्ट में लगा दें स्टेटमेंट की, कोई भी सेंटेंस के स्टार्ट में लगा दें, तो वो क्वेश्चन बन जाता है. इस तरह से डू और डज भी. ये सारा आपको पेज नंबर 14 पे समझाया भी गया है, और उस पर एक आपकी एक्टिविटी है पार्ट टू और पार्ट थ्री. पार्ट टू और थ्री पेज नंबर 14 पर करना है. उसके नीचे 4 और 5 जो है वो आपने नहीं करना. फिर आपने पेज नंबर 15 ओपन करना है, उसका आपने एक और एक्टिविटी जिसमें आपने फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क लगाने हैं, वो उसके सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, वो पार्ट नंबर है 6 और 7, वो भी आपने पेज नंबर 15 पर करना है. ये आपका ग्रामर बुक का काम है. ये डायरी नीचे लिखी हुई है, डू पेज 14 प्लस 15 ऑफ ग्रामर बुक, प्लस यू विल हैव टू डू सम वर्क इन योर इंग्लिश बी नोटबुक्स. Do myself in notebooks. Notebooks पर आपने myself लिखना है. इसी तरह से जैसे मैंने पेज पे ऊपर, आपने सबसे पहले तो इसका टाइटल बनाना है, उसके बाद आपने 5 मई 2021 डेट मार्क करनी है, वेडनेसडे लिखना है, क्लास वर्क, और टॉपिक है ऐसे राइटिंग. ऐसे राइटिंग यानी मजमून लिखना, जैसे आप उर्दू में मजमून लिखते हैं, उस तरह से ये इंग्लिश में है. और इसमें 10 sentences हैं माई सेल्फ के, मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं, आपने इसको अच्छी तरह से रीड करना है और लिखना भी है. आई एम अ बॉय, अगर आप एक लड़के हैं तो बॉय लिख के फुल स्टॉप लगा देंगे, अगर गर्ल हैं तो आई एम अ गर्ल देन फुल स्टॉप. सेकेंड सेंटेंस माई नेम इज़, मैंने यहाँ पे कोई नेम नहीं लिखा, आप यहाँ पे अपना नाम लिखें, क्योंकि हर बच्चे का अलग अपना नाम होता है. माई नेम इज़ उस्मान या सारा, इस तरह से. थर्ड सेंटेंस इज़ आई एम 7 years old, मैं 7 साल की हूँ या 7 साल का हूँ. फोर्थ आई एम अ स्टूडेंट. फिफ्थ आई रीड इन क्लास 1. फोर्थ पे वो कह रहे हैं, यहाँ पे ये सेंटेंस बताया जा रहा है कि मैं एक तालिबे इल्म हूँ और मैं क्लास 1 में पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ. आई एम अ मुस्लिम, मैं एक मुसलमान हूँ. और जो क्लास में क्रिश्चियन स्टूडेंट्स होते हैं वो क्रिश्चियन लिख सकते हैं यहाँ पे. माई फेवरेट फूड इज़ डैश, मेरा फेवरेट या पसंदीदा खाना जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, राइस या कोई भी फेवरेट फूड आपका, पिज़्ज़ा वगैरह है तो वो आप लिख सकते हैं. माई फेवरेट गेम इज़ डैश, यहाँ पे आप अपनी पसंद की गेम लिख सकते हैं, क्रिकेट हो सकती है, हॉकी हो सकती है, या कुछ लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं, जो भी आप गेम पसंद करते हैं वो इधर लिख सकते हैं. आई लिव इन कसूर, मैं कसूर में रहती हूँ या रहता हूँ. आई लव पाकिस्तान, मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार है. ये आपका काम आजकल थोड़ा ज़्यादा है आई नो, बट इंशाल्लाह आपको छुट्टियों, जब ईद की छुट्टियाँ होंगी तो आपको बहुत सारा मज़े करने के लिए भी वक्त मिलेगा इंशाल्लाह. और आप शौक से काम किया करें अच्छी राइटिंग में.
और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।